हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की मेरी वीडियो जो है गाइज, वो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, किसी हेयर केयर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि है हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर। नाउ आपको पता ही है कोरोना की वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ट्रस्ट मी, मैं और मेरी फैमिली तो हो गए हैं, और अच्छा है हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए वैसे भी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर विद यू व्हाट आई एम कंज्यूमिंग, व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग सिंस दीज 5 to 6 months। एंड ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, वो सारे मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं कंज्यूम करती हूँ, क्या क्या उनके बेनिफिट्स मुझे लगे हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, और आप लोग उसे क्यों ट्राई कर सकते हो। हम जो है ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है काढ़ा। फर्स्टली गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने नोट्स बना लिए हैं सारे पॉइंट्स के जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। नाउ गाइस आप सबको पता होगा, जैसे ही हमारे इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन पूरी हुई थी, स्टार्ट हो गई थी, आयुष मिनिस्ट्री ने जो है अपना एक काढ़े की रेसिपी बताई थी, जिसमें काफ़ी सारे इंग्रीडियंट्स थे, रखा था, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी गाइज। तो उसमें आपको जो है बताई गई थी कितनी क्वान्टिटी आपको यूज़ करनी है, कितने लोगों के हिसाब से आप बना रहे हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता था, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। खुद पर्सनली बना के देती थी काढ़ा अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बस ये होता है, आपको इंग्रेडिएंट्स गैदर करके रखने पड़ते हैं सारे, और आपको मेंबर्स के हिसाब से अकॉर्डिंग क्वांटिटी देखनी पड़ती है, किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो मुझे थोड़ा सा आलस वाला काम लगता था गाइस, पर्सनली बता रही हूँ। तो मैं कभी बनाती थी, कभी नहीं बना पाती थी, बहुत इरेगुलर थी इस चीज़ में। तो मैं जो है इंस्टाग्राम पे आप लोगों की तरह एडवर्टीजमेंट्स आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, वहाँ पर मुझे एक ब्रांड के बारे में पता चला, द स्पाइसी करके। नाउ मैंने उसकी वेबसाइट पे देखा गाइस, वहाँ पे था उनका एक वेलनेस काढ़ा। मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स इसको ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज को हम पी रहे हैं, एंड मैं आपको क्वान्टिटी भी दिखाना चाहूँगी। ये अगर आप उसमें मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके चेक करोगे तो वो फुल था यहाँ तक, अब यहाँ पर जो है हाफ रह गई क्वांटिटी। एंड ये कम से कम 1 month और 1.5 months आराम से चलने वाला है मेरे लिए। इसमें जो है बहुत ही टाइनी सी जो है आपको एक स्पून मिल जाती है, जो कि आपको स्कूप लेना होता है उसका। अगर आप जैसे 3 मेम्बर्स हैं तो आपको 3 scoops ऑफ दैट लेना है, एंड 3 cups ऑफ वाटर। आपको उसको रिड्यूस करना है टू हाफ, एंड देन यू कैन कंज्यूम दैट। एंड ये ट्रस्ट मी गाइस, इसमें आपको कुछ भी ऊपर से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तो आपको इसमें गुड़ मिलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हनी, वैसे आप मिला सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आपको बिल्कुल भी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यूज़ करने के बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एग्जैक्टली होममेड काढ़ा होता था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, बट मैं कहूँगी उससे बेटर है, क्योंकि आपको इसमें कुछ और एडिशनल शुगर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आप एक्चुअली सारे ही फ्लेवर्स की जो स्मेल है, अरोमा, आप फील कर सकते हो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो। ये जिप लॉक बैग में आता है, विच इज ग्रेट। इन करते हो या फिर आप इसको स्मेल करोगे, यू कैन सी द ऑथेंटिसिटी एंड इसकी ओरिजिनलिटी आपको फील अपने आप हो जाएगी। ये वैसे भी ब्रांड जो है क्लेम करता है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कलर्स एडेड नहीं है, विच इज ग्रेट। ये आपको जो है 295 रुपीज़ का 100 grams प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी अलग भी इनके आइटम्स हैं, बट मुझे ये वेलनेस काढ़ा बहुत अच्छा लगा। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे गए हो, आपने विजिट किया है हाल फिलहाल में कोविड के टाइम पर, तो आपने देखा होगा आपको बहुत सारे जो हैं आरोग्य पेय, आरोग्य ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, इस तरह के बहुत सारी ब्रांड्स के आपको जो है लॉन्च किए हुए मिल जाएंगे, जो कि पहले वैल्यू भी नहीं हो पाती थी उतनी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है हर ऐसी चीज़ें। तो आपको मिसगाइड ना होकर, आपको मैं एक ब्रांड जो डेफिनेटली रेकमेंड कर सकती हूँ, जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत टाइम से, वो मैं आपको बता सकती हूँ। दिस इज़ गंगेश्वरीज आरोग्य पेय। ये जो है आपको किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, एंड अगर नहीं मिलेगा तो मैं अमेजोन की लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस इसमें डिफरेंट क्या है, वाई यू शुड ट्रस्ट दिस, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, ये जो है आयुर्वेदिक है, एंड इस पर क्लेम किया गया है कि इसमें कुछ भी एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स कुछ भी नहीं इसमें मिलाया गया है, सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ किए गए हैं। प्लस मैं इसे ड्रिंक कर चुकी हूँ गाइस। ये आपको पीने के बाद एग्जैक्टली आपको जो है क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे जितनी भी आपके माइंड में टेंशन है, जितने भी आपके मन में स्ट्रेस है, जितना भी आप टायर्ड फील कर रहे हो, यू विल फील रेज्यूमिनेटेड एट द सेम टाइम, जैसे ही आप इसे ड्रिंक करते हो उसके बाद। प्लस अगर आपको कफ वगैरह रहता है गाइस, तो ट्रस्ट मी आपको उसी वक्त फील होगा इसे पीने के बाद कि आपका जो कफ है, आपके जो गले में प्रॉब्लम थी, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है। सो आप इसे जो है, दिस इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर योर ग्रीन टी और ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी भी अगर पीते हो। प्लस गाइस ये जो है आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है वात, पित्त और कफ को। आपको पता होगा 3 प्रवृत्ति होती हैं, शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, हूँ, तो उसमें भी ये हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एडल्ट्स जिसे यूज़ कर सकते हैं, आपके दादाजी नानी जी, हर कोई, ओल्ड एज पीपल के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इसमें जो है आप एक और अच्छी चीज़ इसकी ये है गाइस, आप इसको ऑल सीजन्स कंज्यूम कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू कंज्यूम दिस ओनली वंस एंड आप ऑल्टरनेट डेज पे भी पी सकते हो इसे, एवरी सिंगल डे भी पी सकते हो, फिर बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रख लेना। बट इससे भी मुझे कोई जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी सेफ टू बी यूज एंड ट्रस्टेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी भी आपके माइंड में टेंशन है, शाम को अगर आप घर पे थके हारे आते हो या फिर आप टायर्ड फील कर रहे हो, ड्रिंक दिस टी एंड यू विल बी सॉर्टेड। इसका जो प्राइस है गाइस, ये पहले वाले से थोड़ा अफोर्डेबल है। दिस इज 195 रुपीज़ का आपको जो है इसमें 125 ग्राम्स प्रोडक्ट मिल जाता है। हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं सब। तो इसमें जो है गाइज, एक मैं आपको ब्रांड के बारे में बताऊंगी, दिस इज उपकर्मा आयुर्वेदा। ना इसकी मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो है अश्वगंधा। जो है मुझे जब मैं अश्वगंधा टैबलेट्स को सर्च करी थी उस बार मुझे पता चला था। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और शायद इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो मैंने तो इसे अमेजोन से परचेज किया था। तो गाइज इसमें जो है आपको मैं बताना चाहूँगी उपकर्मा ब्रांड के बारे में। ये ब्रांड क्लेम करता है कि दिस इज ISO सर्टिफाइड, इसमें कोई भी एनिमल रिलेटेड इंग्रेडिएंट नहीं है, ये 100% वीगन है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स भी एडिड नहीं किए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ये सब चीज़ें देखने के बाद में आगे बढ़ी। अश्वगंधा जो है गाइस, इसके मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाहूँगी। ये जो है आपको हेल्प करता है टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट बूस्ट इम्यूनिटी, इट इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स योर मसल्स एंड इट रिलीव्स लेथार्जी एंड वीकनेस। अब मैंने पर्सनली इसे क्यों परचेज किया था, सोचा था, वो ये था गाइस, मैं 6-7 मंथ से घर पे ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही हूँ एंड घर पे रहते रहते मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लगी हूँ एंड आई वांटेड सम सप्लीमेंट। उस वक्त मुझे पता चला अश्वगंधा के बारे में, इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट एंड दैट सॉर्ट्स। प्लस अगर आप फिटनेस फ्रीक हो गई तो आपको पता होगा अश्वगंधा इज़ वेरी गुड फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग एंड ऑल। तो ये जो है कोई भी यूज़ कर सकता है, ऑफकोर्स आप 18+ हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ यूनिसेक्स प्रोडक्ट। तो ये ब्रांड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, दैट्स व्हाई आई ट्रस्टेड दिस। एंड प्लस गाइस इसमें जो है आपको विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी आप इसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। प्लस इस पर इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने फिजिशियन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप 1 कैप्सूल को ट्वाइस डेली यूज़ कर सकते हैं, बट मैं और मेरे फादर सिर्फ 1 ही कैप्सूल लेते हैं। इसका ऑल्टरनेट डेज पर लेते हैं हम लोग, एवरी सिंगल डे नहीं लेते हैं। खाली पेट ना लें, कुछ खाने के बाद लें। उसके बाद 30 डेज के बाद फिर से थोड़ा सा ब्रेक रख लें, क्योंकि किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स में थोड़ा सा ब्रेक होना जरूरी होता है। इसमें आपको जो है 90 वेज कैप्सूल्स मिल जाती है। प्लस इसमें 450 mg का जो है प्रोडक्ट आपको 849 रुपीज का मिल जाता है। 3 मंथ्स का जो है सप्लीमेंट्स है, बिकॉज इसमें 90 कैप्सूल्स हैं, तो विच इज़ ग्रेट। एंड आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, इस वजह से ही इसका प्राइस थोड़ा हाई है। आपने वैसे भी देखा होगा अश्वगंधा अगर आप प्योर फॉर्म में लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक और प्रोडक्ट भी है गाइज, उपकर्मा प्योर जीत रेजन फॉर्म, जो है रिसाइक्लेबल पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो आपको एक बुकलेट मिल जाती है, सॉरी दिस इज द बुकलेट, इसमें सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। प्लस गाइज यू हैव टू सी दिस, आपको एक ग्लास की बॉटल कप मिल जाता है छोटा सा, एंड आपको एक कॉपर की जो है एक तरह की स्पून भी मिल जाती है। प्रोडक्ट है गाइज ये मैंने क्यों परचेज किया मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो है ये सबसे पहली चीज़ ये ओबेसिटी को फाइट करता है। मैं आपको अगर नहीं पता है, आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दैट थिंग। प्लस इसमें जो है आपको ये आपके बॉडी एंड माइंड को रिवाइटलाइज करता है। अगेन ये भी आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग इफेक्ट देता है, लेवल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड ये आपकी बोन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, एनीमिया की इशू होती है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा रहता है। ये आपकी बेसिकली ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा एक जो है प्रोडक्ट है एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। इसके सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। अगेन ये भी प्रिजर्वेटिव फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, कोई इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स या फिर कलर्स, कोई भी कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए हैं। पैकेजिंग इज सो प्रीमियम, आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। इसका प्राइस जो है गाइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये 1400 समथिंग का था, दिस वॉज फॉर 1450 रुपीज़ एंड इसमें 15 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलता है। बट आपको थोड़ा सा लेना होता है, इसकी स्पून बहुत छोटी सी, आपको सिर्फ इतना सा ही लेना होता है प्रोडक्ट एक टाइम पर, और इसको आपको थोड़ा सा मिल्क के साथ कंज्यूम करना होता है एंड इसको आप एवरी सिंगल डे ले सकते हो विद before going to bed you can drink this. Last but not the least is tulsi drops. आप सबको पता होगा तुलसी ड्रॉप्स बहुत सारे पहले से भी अवेलेबल थे एंड हम पहले भी बहुत बार कंज्यूम कर चुके थे, मेरे फादर ले आते थे मेडिकल शॉप से जाके, बट इस टाइम पर क्यों ये ज़रूरी है बिकॉज गाइस इसमें तुलसी ड्रॉप्स जो है, वैसे भी आपको पता होगा तुलसी हम लोग चाय में भी डालते हैं, आपकी मम्मी डालती होंगी, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं तुलसी के. ये आपको जो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी में हेल्प करता है, आपको एलर्जी और इन्फेक्शंस में हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. प्लस अगर आपको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का इशू होता है उसमें भी आपको ये रिलीफ प्रोवाइड करती है तुलसी. आप तुलसी का पाउडर भी बना सकते हो और फ्रेश तुलसी लीव्स को भी यूज़ कर सकते हो. अगर वो सब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप तुलसी ड्रॉप्स पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रॉम द ब्रांड कॉल इकोएस्टा. मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाना चाह रही थी, बहुत टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो है इसको पोस्ट किया था. इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे लगी जिस पे मैं एक्चुअली भी रिलाई कर सकती हूँ वो है विटामिन D3 के बेनिफिट भी. ये आई थिंक फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया में जो इस तरह के फॉर्मुलेशन के साथ आया है. आप सबको पता है हम 5-6 मंथ से घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हम लोगों को वैसे भी माना गया है कि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन को है विटामिन D की थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहती ही है. मैं बहुत ज़्यादा जो लेथार्जिक फील करती थी, मुझे मसल्स में बहुत जल्दी पेन हो जा रहा था, तो मैंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया. ही सजेस्टेड मी फ्यू टेस्ट एंड मेरे को विटामिन D की थोड़ी सी कमी आई थी, तो देन ही सजेस्टेड मी टू टेक सम विटामिन D सप्लीमेंट. कहूँगी बेस्ट जो सप्लीमेंट हो सकता है नेचुरली आप जहाँ से विटामिन D ले सकते हो वो है नेचुरल सनलाइट. बट आपको पता है समर्स टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैं सनलाइट में नहीं बैठ पा रही थी बिकॉज हम लोग ऐसे भी डरते हैं इंडियंस की टैन ना हो जाए ऑल, तो मैं अवॉइड कर रही थी, इसलिए विटामिन D काफ़ी कम हो गया था. तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इस विटामिन D कम हो जाए तो, आपको जो है बोन्स एंड मसल्स में जो है वीकनेस फील होने लग जाती है, आप कैल्शियम और जो बोन्स और टीथ की हेल्थ है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ने लग जाता है. तो ये जो है गाइज ये तुलसी ड्रॉप्स आपको विटामिन D3 के भी बेनिफिट्स देती हैं बिकॉज इसमें आपको जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है मशरूम से आपको विटामिन D मिलता है, अगर आपको नहीं पता है तो, विच इज़ द सेकंड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D मशरूम्स. तो उससे जो है इसमें विटामिन D लिया गया है विच इज़ आई थिंक वेरी यूनिक फॉर्मुलेशन फॉर मी एंड इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है गाइज. बट एक चीज़ मैं कहूँगी, आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करना अच्छा नहीं होता है. हम इसे कंटिन्यूसली 1 मंथ तक लेने लग गए थे, उसके बाद मेरे पापा ने ऐसा बोला कि उनके जो टीथ हैं थोड़े से उनको लगा कि टीथ उनके थोड़े से सेंसिटिव हो गए. तुलसी वैसे भी थोड़ी सी एसिडिक मानी जाती है, तो आई सजेस्ट आप एवरी ऑल्टरनेट डे एवरी 3 डेज के बाद आप तब कंज्यूम करें इसे. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुलसीज यूज़ की गई हैं, श्याम तुलसी, रामा तुलसी, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, कपूर तुलसी एंड प्लस इसमें विटामिन D3 भी है 40,000 IU यूनिट में. बट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी जो विटामिन D की डेफिशिएंसी है उसमें भी हेल्प करेगा. प्लस तुलसी ड्रॉप्स वैसे भी आपको इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज में फाइट करने में हेल्प करता है. 210 रुपीज़ का आपको जो है 20 ml पैक मिल जाता है जिसमें आपको एक बॉटल मिलती है. आप पैक ऑफ 2 भी ले सकते हो 390 रुपीज़ में, जिसको आपको 20 + 20 ml के 2 बॉटल्स मिल जाएंगी. सो गाइज दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई हैव बीन ट्राइंग सिंस दीज 5 to 6 मंथ्स. मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स इन सबको स्वेयर बाय करते हैं सारी ही चीज़ों को एक साथ नहीं लेना है, इनका टाइम बना लीजिए, आप कुछ गैप में लीजिए. लिंक्स सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी ताकि आप अपने लिए भी परचेज कर सको. एंड ये किसी भी वे में गाइस स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी क्वेरीज होनी चाहिए गाइस कॉमेंट कर दीजिएगा, गेट बैक टू यू अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड. सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना गाइस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और हो सकता है आप लोग इन सब में से कुछ प्रोडक्ट को चाह रहे थे ट्राई करना. तो आई होप आई हेल्प यू इन सम वे और द अदर. So I shall see you in my next video guys. Until next time, this is me Shweta signing off. Bye bye.